कितनी एप्लीकेशन हुई है, 35,000। ठीक है, तो टोटल मनी रिसीव कितनी होगी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन कितनी होगी, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 35,000 नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 ईच, तो बैंक में कितना अमाउंट आएगा, 3 लाख, 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 बैंक, जैसे कि कैश या बैंक असेट से वो आए, तो वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और क्या गई है हमारी, एप्लीकेशंस गई हैं। ठीक है, थीके? वो एप्लीकेशंस हमने क्या दिए, एप्लीकेशन वो बिजनेस गई, तो हम किस साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। अब ये हमें इतनी रिसीव हुई हैं, लेकिन जो है कंपनी बाउंड है, जितने वो इशू करती है उतनी ही वो सब्सक्राइब करके उस वो उतनी ही उतनी अलॉट करती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि फाइनलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन एज अलॉटेड ऑफ शेयर्स, वो होती है। ठीक है, कि फाइनल अलॉटमेंट कब की गई। अब फाइनल अलॉटमेंट जब जितनी, जैसे कि कितनी इशू की है कंपनी ने, 30,000, जबकि रिसीव हुई है 35,000, तो अलॉटमेंट भी 30,000 को करनी है। 5,000 मोर जो हुई है वो हम रिफंड करेंगे एक्सेस में, इसे कहते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन वो, लेकिन पहले हम अलॉटमेंट की करेंगे। सेकेंड स्टेप है हमारा, सेकेंड एंट्री होगी फाइनलाइजेशन ऑफ, मीन्स फाइनल हम करेंगे, तो कितनी फाइनल फाइनल एप्लीकेशन हमने करनी है, वो हम लिखेंगे डेबिट साइड 30,000 मल्टीप्लाई ईच शेयर प्राइस कितनी है, 10। ठीक है, तो वो हम लिखेंगे 3 लाख, मीन्स टोटल हमें, हमने जो ऑफर की वो ही अलॉट करेंगे 3 लाख। और शेयर कैपिटल हमारा, जैसे कि पहले एंट्री मतलब अब फाइनल अलाटमेंट होती है तब हम कैपिटल लिखते हैं, तो हमारा कैपिटल जो हो गया कंपनी का वो भी कितना आ गया, 3 लाख। तो अलॉटेड कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं यहाँ पे, 30,000 शेयर्स एट ₹10 ईच पर, इस तरीके से आपने नरेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद है, अच्छा नेक्स्ट है, इन केस इफ द शेयर्स हैव बीन अंडर सब्सक्राइब। अच्छा, अंडर सब्सक्राइब का मकसद है कि अगर शेयर्स आपके, ये फॉर्मेट में हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपके शेयर्स, अब ये तो हमें ओवर सब्सक्राइब हो गए। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन की पहले हम करते हैं, फिर मैं आपको अंडर की बताती हूँ। जैसे सपोज हमें 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए, ओवर मीन ज़्यादा जो है ना मिली है एप्लीकेशन। सब्सक्राइब का मकसद है कि एप्लीकेशन जितनी रिसीव हुई, इशू हमने की थी 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू किए, लेकिन हमें रिसीव हुए 35,000, मीन्स 5,000 एक्स्ट्रा है, तो 30,000 को तो अलॉट की गई, लेकिन 5,000 को बैंक क्या करेगी, इफ़ द शेयर्स हैव बीन ओवर सब्सक्राइब देन एक्सेस, जो भी एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो क्या करेंगे हम, वो क्या करेंगे, वो हम वापस करेंगे, रिफंड करेंगे। तो वो किस तरीके से लिखेंगे, अब वो कितनी एप्लीकेशंस थी, 5,000 थी एक्स्ट्रा थी, जैसे कि ईच की प्राइस कितनी थी, 10 ₹10 ईच है, तो कितनी होगी टोटल, 50,000 का अमाउंट आ जाएगा, ये हम लिखेंगे, वापस आएगी तो हमें डेबिट साइड, और क्या आ जाएगी ऑफकोर्स बैंक में से हम वो रिटर्न करेंगे उनको अमाउंट, तो वो कितना होगा, वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, कितना आएगा, 50,000 वो आपका क्रेडिट जाएगा। ठीक है, रिफंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है, ये हम डिस्क लिखेंगे। बट इन केस अगर हमें इस तरीके से भी हो सकता